नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां किसान बिल के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के किसानों के मसीहा और भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आदर्श मिश्रा उर्फ डैनी भैया को पुलिस प्रशासन ने किया उनके गृह जनपद एटा के घर में ही नजरबंद। आज उन्होंने अपने सैकड़ों किसान साथियों के साथ एटा जिला प्रशासन को ज्ञापन देने का ऐलान किया था। इसी को लेकर घबराए जिला प्रशासन ने आदर्श मिश्रा उर्फ डैनी भैया को घर पर ही नज़रबंद कर दिया। किसान बिल के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर आज भारतीय किसान यूनियन स्वराज के बैनर तले आदर्श मिश्रा उर्फ डैनी भैया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों किसान साथियों ने एटा जिला प्रशासन को ज्ञापन देने का ऐलान किया था और उन्होंने कहा कि एटा जिला प्रशासन ने हमें घर पर ही नज़रबंद कर दिया है। जैसे ही मेरे किसान साथियों को मेरे नज़रबंद की सूचना हुई, वैसे ही उनके आवास के बाहर किसान समर्थक तथा उनके शुभचिंतकों व मिलने वालों का कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए उनके आवास पर इकट्ठा होना शुरू हो गए, तो जिला प्रशासन ने सैकड़ों लोगों को आते देख दबाव में आ गया और जिला प्रशासन को झुकना पड़ा तथा मेरे घर के बाहर ही सदर तहसील के SDM अबुल कलाम और शहर कोतवाल प्रभारी, गोदाम चौकी इंचार्ज, सुनहरी नगरी चौकी इंचार्ज सहित भारी पुलिस बल के साथ मेरे घर पर आकर हमसे सौहार्दपूर्वक वार्ता की। हमसे घर के बाहर ही ज्ञापन लिया, जिसमें हमारे किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा प्रधानमंत्री महोदय से देश के किसानों के हित में 5 मांगों को स्वीकार करने का अनुरोध किया है। इस अवसर पर मेरे साथ किसान साथी हरिंद्र मोहन सारस्वत, पुरेश पुष्पेंद्र सिंह, सोनू चतुर्वेदी, गोपाल शर्मा, सोनू गुप्ता सहित सैकड़ों लोगों ने समर्थन किया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की खास रिपोर्ट। किसान यूनियन स्वराज का राष्ट्र उपाध्यक्ष, मेरा नाम आदर्श मिश्रा है। किसान आंदोलन के 6 माह पूर्ण होने पर के विरोध में आज हमारे किसान भाइयों के द्वारा आज जिला प्रशासन ज्ञापन देने का हम लोगों ने प्रण किया था। जैसे ही जिस जिला प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने आज हमको घर के बाहर बहुत सख्त पहरा लगा दिया और हमें घर में के अंदर नजरबंद कर दिया। लेकिन हम पुलिस के इस व्यवहार से कभी डरे नहीं और ना ही विचलित हुए। हमने अपने आप चुपचाप घर से निकलकर पुलिस को चकमा देते हुए बाहर जाकर अपने सैकड़ों साथियों के साथ इकट्ठा हुए। हमारे दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन को झुकना पड़ा और उन्होंने मेरे घर के बाहर ही आकर मुझसे ज्ञापन दिया। जय हिंद, जय भारत।